डाउट से कुछ बच्चों को सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये चेक करना है कि वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट नॉट। तो बड़ा आसान है बेटा, आपको करना क्या है, आपको ये दो चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो बोलते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर बराबर नहीं आते हैं तो बोलते हैं नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, सो इफ दे आर इक्वल देन वी से ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट मीन दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है बेटा। ठीक है, आपको ये याद करना है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक है, ए बी द इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ठीक है भाई, एक फेयर कॉइन में छाला गया है, तो ए एक इवेंट है इसमें कॉइन पे हेड आता है, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। ठीक है, तो बेटा हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ठीक लिखा है क्या, आपको इकट्ठा नहीं लेके चलना। ठीक है, एक फेयर कॉइन और एक अनबायस्ड डाई छाला गया है। ठीक है, तो हेड आए अगर कॉइन पे तो उसके क्या चांसेस हैं, 1/2। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्या है, क्या उछाला गया, डाई भी उछाला गया, तो डाई पे 3 आने के क्या चांसेस हैं, 3 on die। ठीक है, सो व्हाट इज द चांसेस दैट 3 विल कम ऑन डाई, 1/6। ठीक है, ओके, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। सैंपल स्पेस बना लो आप, वैसे इससे भी वही आएगा बेटा, सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या हुआ, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 6, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, अप टू टेल के साथ 6। आप करके देख लेना ये आएगा, मैंने 1/2 लिखा है, आप ऐसे भी करेंगे, हेड आना चाहिए, कितने के से हेड वाले, 6, कितने में से, 12 में से। क्या सिमिलर टाइप के एलिमेंट्री इवेंट्स है, बिल्कुल है, सेम टाइप के है बेटा, दैट मीन्स इक्वली लाइकली, तो सेम तरीके से निकाल सकते हैं आप। ये भी ऐसे भी कर सकते, 3 on die, तो डाई पे 3 कब कब आएगा, एक तो H3 में और एक T3 में, कितने केस है, 2 केसेस, आउट ऑफ हाउ मेनी केसेस बेटा, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/6 आएगा भाई। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, हेड ऑन कॉइन, हेड ऑन कॉइन, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, एंड 3 on die। हाँ जी, ऐसे कितने केस है, ओनली 1 केस, H3, तो क्या हुई इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 केस है आउट ऑफ हाउ मेनी, 12। तो कैन यू सी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, सो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दे बोथ आर इक्वल, ये भी 1/12 है और ये भी कितना है ना। ठीक है, सेटिस्फाइड ना, मतलब दिस रिलेशन इज ट्रू, द अबव रिलेशन इज ट्रू, दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, सैंपल स्पेस पहले लिखा करो। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें कि बहुत डिफिकल्ट है, सैंपल स्पेस लिख दिया मैंने, एक आपने कॉइन छाला था, एक आपने डाई छाला था, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 अप टू हेड 6, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3 अप टू टेल 6। ठीक है, सैंपल स्पेस लिख दिया, फिर हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आए, ऐसे टोटल सैंपल स्पेस में से 6 केस है आउट ऑफ 12, सो मैंने लिख दिया 6/12। सिमिलरली डाई पे 3 आए, ऐसे कितने केस है डाई पे 3 आने वाले, हेड 3 एंड टेल 3, दो केस आउट ऑफ 12, है ना, इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स है तो नॉर्मली निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ओके, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाला, इसका मतलब क्या, दोनों इवेंट अकर कर रहे हैं, मतलब हेड ऑन कॉइन एंड 3 ऑन डाई, दैट मींस क्या हुआ, S3, एक केस आउट ऑफ 12 केसेस। फिर हमने देख लिया कि भाई ये जो चीजें हैं दो, ये और ये क्या है, बराबर है, बराबर है मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल,
एंड यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, बस और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बस दिखने में डिफिकल्ट है बट होता इजी है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अच्छा भाई देखना भाई सब लोग, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए, मतलब ए उसे सॉल्व करते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व बाय, क्वेश्चन सॉल्व बाय ए, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा, 1/2, ठीक है भाई, क्वेश्चन इज सॉल्व बाय पर्सन बी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बेटा, हाँ जी दी हुई है ना, 1/2, ओके। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो डिपेंडेंट होंगे, हाँ ऋषभ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे या फिर आशीष क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, है ना, क्या दोनों की डिपेंडेंसी होगी, जब जब जबकि लिखा हुआ दे आर सॉल्विंग देम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो क्या कैसे इवेंट हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट हुए, इज दैट क्लियर, यहाँ पे साफ साफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लोगे, कैसे कैसे क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, अच्छा अगर मैंने मेरे क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, मैंने दो मैंने क्वेश्चन दिया और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका क्या मतलब है कि कम से कम एक बच्चा ही सॉल्व कर दे, है ना, एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मीन प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना, हो सकता है आशीष ने कर दिया हो, ऋषभ ने ना किया हो, ये हो सकता है ऋषभ ने कर दिया हो, आशीष ने नहीं किया हो, या हो दोनों ने कर दिया हो, इन तीनों केसेस में क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, समझाया था मैंने, ये लो भैया कम से कम एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है ऑपरेशन के टर्म्स में, इंटरसेक्शन मीनिंग बताया था मैंने, ए इंटरसेक्शन बी के दो मीनिंग थे, बोथ ऑफ देम एंड, है ना, एटलीस्ट वन के लिए क्या बताया था, यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी इज नथिंग बट एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, तो बस आपको यहां पे अगर आप पहचान ही नहीं पाए कि भैया फर्स्ट पार्ट में निकालने को क्या बोल रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे, जिसने पहचान लिया फटाफट कर लेगा, है ना, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व बेटा, ठीक है भाई, तो ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, साथ में यहां लिखा था दे सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दैट मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, तो यहां से मैंने इस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट कर दिया, आ गया ये, अब फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि एटलीस्ट वन हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन हैज सॉल्व, है ना, सॉल्व इट, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो कि 11th का पोर्शन था रिवाइज कराया था, एटलीस्ट वन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा यहाँ से देख के समझ जाएगा कि ए यूनियन बी निकालना है उसके लिए तो कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, जो समझ ही नहीं पाएगा तो कैसे निकालेगा, ठीक है, फॉर्मूला पता है सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, हाँ जी रोहित क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, बेटा ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको ईजी तभी लगेगा जब आप साथ साथ करेंगे, जहां आपने कहीं को छोड़ा फिर ये चैप्टर डिफिकल्टी लगने लग गया, आसान चैप्टर है, इजीली स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली, हाँ जी सिंपली वैल्यूज पुट कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था इंडिपेंडेंट इवेंट के थ्रू 1/6, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, 6 इज द एलसीएम, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, कितना हो गया भाई 4/6, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, हाँ जी अच्छा कोई बताएगा सेकंड का क्या मतलब है, सेकंड वाले पार्ट का, एनीवन, वेरी सिंपल टॉपिक, एग्जैक्टली वन क्या होता है, हालांकि मैंने एग्जैक्टली वन लिखवाया नहीं था बट 11th वाले बच्चों को हमेशा पढ़ाया ना, एटलीस्ट वन मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी, है ना, मतलब एग्जैक्टली एक बंदा सॉल्व कर दे, मतलब ए सॉल्व कर दे बी सॉल्व ना करे, मतलब क्या हुआ ए बट नॉट बी, या फिर
बी बट नॉट ए, ठीक है। तो बेटा रिविजन करते हुए साथ मैंने ये वर्ड नहीं लिखवा था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, बट इलेवन में पढ़ाया हमेशा एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, साथ में बी बट नॉट ए, मतलब दोनों को निकाल के एड कर देंगे, या सिंपली इधर ए और बी, ठीक है। तो बेटा सेकेंड पार्ट को बस समझना था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। हाँ जी, सेकेंड पार्ट क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। बेटा प्रोबेबिलिटी में जो अगला टॉपिक होगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, ठीक है। और उससे पहले जो भी वीडियोस मिस हुई है प्लीज देख लेना, क्वेश्चन कर लेना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्या होगा, ओनली ए प्लस ओनली बी, ठीक है। अच्छा ओनली ए क्या होता है, ए बट नॉट बी, ये क्या होता है, बी बट नॉट ए, है ना भाई। ये दोनों निकालो, ये निकालो और ये निकालो और ऐड कर दो। हाँ जी जल्दी से, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का एक और मीनिंग होता है क्या, इधर ए और बी। हाँ जी करें जरा जल्दी से। हाँ जी भाई, ए बट नॉट बी क्या होगा, ए बट नॉट बी क्या होता है, ए बट नॉट बी होता है बेटा ए में से ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट करेंगे। देख कैसे समझाया था मैं आपको, अगर ये ए है ये बी है तो ए बट नॉट बी इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज ओनली ए। कैसे निकला, ए में से क्या सबट्रैक्ट किया हमने, इंटरसेक्शन ग्रीन वाले पोर्शन में से जो कि पूरा ए है उसमें से हमने डॉटेड पोर्शन निकाल दिया, है ना, इंटरसेक्शन निकाल दिया, तो क्या आ गया, ए बट नॉट बी आ गया। सिमिलरली ए बट बी बट नॉट ए क्या होगा, वैसे भी बड़ा आसान है तरीका, जो लेना है वो ले लो, बी लेना है बी ले लिया, क्या नहीं लेना ए नहीं लेना, तो जो नहीं लेना उसका इसके साथ इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। पहले भी फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है, दिख रहा है, फर्स्ट क्लास में ही ये सब रिवाइज कराया था मैंने, इसलिए सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बेटा इस क्वेश्चन, बस आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था बेटा, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, 1/3, इंटरसेक्शन कितना था, 1/6, यही था ना बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, 1/6, यहाँ क्या आया 3, यहाँ क्या आया 1, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया 3/6, which is nothing but 1/2। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो, 12th और 13th दोनों देखेंगे बेटा, बट मैं पहले 12th वाला देख रहा हूं क्योंकि 13th वाला दो वॉल वाला है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे बताऊंगा बेटा। 12th क्वेश्चन देखें भाई सब लोग, 12th कैसे करना चाहिए, डाइस टॉस थ्राइस। हाँ जी, अगर डाई को हमने 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हाँ जी सैंपल स्पेस कितने केस होंगे इसमें, 216, है ना। इस डाई के पास 6 ऑप्शन है बेचारे के पास, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, काम पूरा हो जाएगा, नहीं, इसके पास कितने ऑप्शन है, 6, ठीक है, इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 6, कितना हो गया, 216, ठीक है, कोई डाउट है। सो टोटल कितने केसेस है बेटा, 216, ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस ऑड नंबर, ये है ना, है ना, एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट वंस ऑड नंबर, है ना, एटलीस्ट वंस ठीक है भाई, तीनों में से मतलब कम से कम एक बार ही ऑड नंबर आए, मतलब एक बार ही आएगा ऑड नंबर, या फिर दो बार ही आएगा या फिर तीन बार ही आएगा, है ना। सारे केसेस लेने से बेटर ये है कि आप क्या करें, आप इसका अपोजिट हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट का उल्टा होता है नन ऑफ देम, क्या होता है, नन ऑफ देम। तो मैं बोलूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली ये जो है, ये जो एटलीस्ट वन है, दिस इज ऑलवेज नन ऑफ देम का, नन ऑफ देम का, ठीक है, नन ऑफ देम का उल्टा है। अच्छा दो में नन ऑफ देम क्या होता है बेटा, दो में नन ऑफ देम क्या होता है, ना ए ना बी, यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, आता है, आता है नहीं आता बोलो, अरे नीदर ए नॉर बी पढ़ाया था, नीदर ए नॉर बी में क्या बोला था,
None of them मतलब ना ए ना बी दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो बीच में क्या एंड इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको none of them निकाल के लिख के दिखाता तीन में, मैंने लिख के नहीं दिखाया आपको जानबूझ के, ठीक लिखा है क्या, क्या आएगा यूनियन आएगा इंटरसेक्शन आएगा बीच में, क्या आएगा भाई, मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ इसके बिना भी कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा बेटा एटलीस्ट वन, मैं सिंपल सी बात बोली एटलीस्ट वन का उल्टा क्या है नन ऑफ देम, तब मैंने तभी तो मैंने यहाँ लिखा कि नन ऑफ देम का कॉम्प्लीमेंट है, फिर वन में से नन ऑफ देम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा नन ऑफ देम क्या होगा बेटा, वन माइनस, अभी आपको सिखा दिया मैंने, तीन है ना, मतलब फर्स्ट में भी ऑड ना हो, सेकंड में भी ऑड ना हो और थर्ड में भी ऑड ना हो। ए यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ए गेटिंग ऑड इन फर्स्ट, गेटिंग ऑड इन सेकेंड, getting odd in third die, getting odd in first throw of die, ठीक है first throw, ठीक है getting odd in second throw, getting odd in third throw, ठीक है। अब none of them का क्या मतलब है, ना तो first में आए, ना second में आए, ना third में आए, मतलब not a, not a मतलब ए बार होगा। यहाँ पे क्या हुआ इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन कोई डाउट है क्या, बोलो भाई डाउट है तो। अच्छा अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ फर्स्ट वाली ऑड आता है और सेकंड वाली फिर से थ्रो कर रहा हूँ, तो सेकंड पे ऑड आए क्या वो फर्स्ट पे डिपेंड करेगा क्या, वो बोलेगा ये भैया तेरा पहली बार ऑड आ गया तो मैं दूसरी बार भी देखो ऑड दूंगा, ऐसा होता है क्या, हाँ कोई डिपेंडेंसी है, तो फर्स्ट थ्रो में सेकंड थ्रो में थर्ड थ्रो में ऑड आने आना इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसा इवेंट है इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो बेटा इंटरसेक्शन निकालने का सिंपल तरीका होता है, क्या होता है सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोल दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कम से कम एक रसगुल्ला खाना है, ठीक है, बट मेरी मम्मी ने सोचा आज तो ये जो चाहता है पूरा नहीं होने देना, तो क्या करेंगे एक भी नहीं खाने देंगे ना, तो सीधा क्या बोलूंगा नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट थ्रो में ना सेकंड थ्रो में ना थर्ड थ्रो में क्या चीज ऑड, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ नन ऑफ देम, ठीक है नन ऑफ देम में क्या करेंगे ना ए ना बी ना सी, ठीक लिखा यहां तक, तो ध्यान देना भाई यहाँ पे ये क्या हुआ वन माइनस बेटा, ये क्या होगा, अच्छा एक काम करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ले पहले, यहीं से यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट थ्रो में ऑड आ जाए बेटा, ऑड आने की क्या चांस है बोलो भाई, थ्री ओवर सिक्स बोले तो वन बाय टू, तीन बार ऑड आउट ऑफ सिक्स क्या आ गया वन बाय टू, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा बेटा, हाँ जी वन माइनस वन बाय टू कितना आ गया 1/2 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लोगे 1/2 उसका बार कितना होगा निकाल के देख लेना 1/2 सेम ही आएगा ना, कितना है 1 - 1/8, ठीक है। और देखो चलो ये तो पहले समझ नोट कर लो फिर बताता हूँ आपको थोड़ा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी दो से ज्यादा हो और एटलीस्ट वन की बात की जाए, बेस्ट वे इज टू टेक द अपोजिट, एटलीस्ट का उल्टा क्या होता है, एटलीस्ट वन का उल्टा होता है नन ऑफ देम, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इन्होंने एटलीस्ट वन लिखा था ना बेटा, मैं चाहे तो उसको ऐसे लिख सकता था, देखो कि भैया मुझे तो ये निकालना है, सबको पता है एटलीस्ट का मतलब क्या था, यूनियन है ना, मैं यहाँ लिख दूं यूनियन, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ अब उसके बाद मैं ऐसा लिख दूंगा, देखना जरा मैं जानबूझ के नहीं लिखा, बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है, देखो क्या बोलते हो, ए बार के ऊपर बार लगा दोगे, बी बार के ऊपर बार लगा दोगे, सी बार के ऊपर बार लगा दोगे, बार के ऊपर बार खत्म हो जाता है और ये क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा कुछ समझ आ रहा है, हाँ भाई क्या बताया था मैंने, अगर पूरे पे बार लग रहा है डी मॉर्गन्स लॉ तो क्या करोगे इंडिविजुअली लगा दो, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया और इस पे लगा दिया, और जो साइन है वो क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे, तो ये क्या होता है ए होता है ये बी होता है ये सी होता है, तो ये यूनियन हो गया ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने सीधे ये लिख दिया,
ठीक है हाँ ठीक है। अब इसकी जगह ये लिख दिया, फिर जिसके ऊपर बार लगता है उसे हम कैसे करते हैं, वन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलो भाई करते हैं नहीं करते हैं। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, वन माइनस है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ठीक है। अगर ध्यान से देखो ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है, बस वहां पे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म स्टार्टिंग में यूज नहीं। हाँ जी 13 क्वेश्चन, 13 टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, दो बॉल निकाल रहे हैं रेंडमली बट रिप्लेसमेंट किया गया है, ठीक है, मतलब जो निकाला और डाला, ठीक है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर राइट। अच्छा दोनों बॉल रेड हो, सुना भाई, तो पहली बार जो मैंने बॉल निकाला वो रेड है, फर्स्ट ड्रॉ में बॉल रेड आया, सेकंड बॉल में भी ड्रॉ बॉल रेड आया, तो जो सेकंड ड्रॉ है क्या वो फर्स्ट ड्रॉ पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, समझ रहे हो आप। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो करता, तो वो डिपेंडेंट बन जाता, यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है तो मैंने निकाला देखा और वापस डाल ही दिया ना, तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ऐसे कैसे रह गया ना, ठीक है बेटा ध्यान देंगे। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, ठीक है ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे 10 ब्लैक है और 8 रेड, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले, ठीक है रेड वन रेड टू, क्या हुआ यहाँ पे रेड इन फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉ एंड रेड इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है या इसमें ये नहीं लिखा कि वन बाय वन निकाला गया है, लेकिन जब वन बाय वन तो नहीं लिखा ना, एक ही करके निकाला गया है, लेकिन दो बॉल निकाला है विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, फिर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा फर्स्ट वाला यहाँ पे जो है बेसिकली मेरे हिसाब से ये निकालना है, ठीक लिखा है गलत लिखा है, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ड्रॉ में भी रेड और सेकंड ड्रॉ में भी रेड, ठीक है। मैं देखो क्वेश्चन मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये विथ रिप्लेसमेंट मतलब आपने क्या किया है एक एक करके निकाला है और रिप्लेस किया है, ठीक है वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट लिखा होना चाहिए यहाँ पे, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, दो बॉल निकाले गए हैं एक एक करके बट रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब एक निकाला देखा वापस आ गया, फिर ठीक है दूसरा निकाला देखा वापस आ गया, ठीक है तो फर्स्ट ड्रॉ में भी रेड आए सेकंड ड्रॉ में भी रेड आए, मतलब दोनों में रेड, दोनों रेड हो तो यही निकालना हमें। अच्छा आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, जल्दी बोलो भाई इंडिपेंडेंट है ना। हाँ अगर मैंने फर्स्ट ड्रॉ में बॉल को निकाल के रख लिया होता तो डिपेंडेंट होता ना, क्योंकि क्योंकि अगला अगला जब निकालेगा तो उसके पास एक बॉल कम हो जाएगी पहले, वो भी नहीं पता कि कौन सी वाली कम होगी ब्लैक या रेड, ठीक है ओके। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या केस होता है बेटा, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आगमन कितना होगा, हाँ जी 8/ अगले में फिर से 8/18 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा 8/18, टोटल रेड बॉल कितने 8 आउट ऑफ टोटल 18, ठीक है कट कर देंगे बेटा 9 और ये 4, ठीक है कितना है 16/18,
ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसी तरीके से आप लोग अभी के अभी सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी से, अभी के अभी सब लोग सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट बॉल में ब्लैक को हो, फर्स्ट बॉल ब्लैक को B1 लिख दिया मैंने यहाँ, और R2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? B1 बोले तो ब्लैक इन फर्स्ट रो, R2 बोले तो रेड इन सेकंड रो, है ना? क्या डिपेंडेंट होंगे बेटा? हमेशा रिप्लेसमेंट वाला केस ध्यान रखना, डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, B1 फर्स्ट में ब्लैक कितना आया 10/8, है ना, सेकंड में रेड कितना हुआ 8/8, है ना, कर लेना भाई कितना आएगा 20/8। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, थर्ड केस, थर्ड केस में गलती नहीं चाहिए भाई मुझे किसी का भी। क्या लिखा हुआ है, एक ब्लैक और दूसरा रेड हो तो देखना भाई, इसमें दो केस बनेंगे, एक ब्लैक मतलब पहले में ब्लैक और दूसरे में रेड, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पहले में रेड और दूसरे में, बेटा किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो, कर लोगे? थर्ड का 40/81, तो 15 क्वेश्चन करते हैं गाइस, 15 का थर्ड पार्ट, डाउट है बच्चे का, तो इसमें इवेंट ई क्या लिखा है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, नेफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, तो ई का मतलब क्या है कि किंग हो या क्वीन हो, तो कितने किंग होते हैं, चार किंग, चार क्वीन, K1, K2, K3, K4, Q1, Q2, Q3, Q4, तो गाइस ये वाला आपका सेट ई आ गया, इवेंट ई आ गया। इवेंट एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, क्वीन और जैक मतलब क्वीन Q1, Q2, Q3, Q4, J1, J2, J3, J4, तो हमें निकालना क्या है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देख लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, सो 8/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा, 8/52, ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया। अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, तो हमने लिख दिया ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, तो क्या आएगा, 4 out of 52, बिकॉज टोटल कार्ड कितने हैं 52, सो दिस इज 1/30, ओके, तो अब चेक करो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आता है कि नहीं आता, आप देखो दे आर नॉट इक्वल, सो दैट मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं ना, क्योंकि फिजिकली 52 कार्ड अलग है, उनमें से आपने दो कार्ड निकाले तो कभी वो अलग आएंगे नहीं आएंगे, मतलब रिपीटेशन होगा क्या, मतलब ये रहा कार्ड 1 और ये रहा कार्ड 2, कभी रिपीट होगा क्या, नहीं होगा। तो बेटा आपको मैं याद दिला दूं, अगर हम 10 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट चूज करते हैं तो कितने तरीके होते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से भी काम कर सकते हैं, 10C2, कॉम्बिनेशन कब यूज करना चाहिए, जब हम एक साथ एक से ज्यादा कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, मोर देन 2 की बात चल रही है, ठीक है, एक साथ, ओके। अच्छा अगर बेटा यहाँ पे ये होता बेटा, सुनना भाई, 1/1, 2 गार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, तो भी हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्या, सोच के देखें, एक एक करके निकाला लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ, तो आपका कार्ड रिपीट हो जाएगा, हो सकता है जो पहले निकला हो दोबारा से वही निकल जाए, अगर रिपीटेशन हो गया तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे क्या, सच में आगे बात, अगर ये होता 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये 3 केस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है बेटा, ये तो अलग केस है ऊपर जो लिखा हुआ मैंने, ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट बोथ आर क्वीन। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, जब हम एन डिफरेंट में से आर डिफरेंट चूज कर रहे हैं। डिफरेंट का मतलब यही है कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट चूज किया उनमें कोई रिपीटेशन नहीं हुआ ना फिर। ठीक है, ओके ओके, मतलब नो रिपीटेशन। ओके, तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वीन। हाँ जी, नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट सैंपल स्पेस, क्या होगा इसमें 52 में से आप कोई भी दो कार्ड निकालोगे, जितने डिफरेंट तरीके के दो कार्ड आएंगे वही आपके सैंपल स्पेस बनते आएंगे, है ना। तो कितने डिफरेंट तरीके से आएंगे, 52 में से दो कार्ड हम इतने तरीके से निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, और ऊपर कितना होगा बेटा, क्वीन होना चाहिए, दोनों कार्ड क्वीन हो, कितने कार्ड क्वीन है, चार। तो कितने डिफरेंट तरीके से क्वीन आ सकते हैं, फोर सीट। तो ये इसका आंसर है बेटा। ओके ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकेंड पार्ट बेटा, मैं सेकेंड पार्ट चेंज कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन सेम है, बस अगर दोनों कार्ड आप वन बाय वन निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, वन बाय वन और विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ी देर नीचे, ठीक है, लिखो भाई क्वेश्चन, देखना भाई। टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, दो कार्ड निकाले वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन बेटा वही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वीन। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या, नहीं, बस टास्क चेंज कर दिया था, एक्सपेरिमेंट जो है मैंने चेंज कर दिया था, है ना। तो बेटा दोनों क्वीन हो, दोनों क्वीन हो, मतलब फर्स्ट ड्रॉन में भी क्वीन आया, सेकंड ड्रॉन में भी क्वीन आया। ठीक है, मुझे ये बताओ डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, क्या आप यह कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि होगा क्या, जो कार्ड आपने पहले निकाला निकाल के वापस रख दिया, फिर दोबारा निकाल रहे हो, तो शायद हो सकता है कि दूसरी बार भी वही कार्ड मिल जाए, रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन होता है तो कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन वाला पंडा यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट अभी जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो यूज करेंगे, है ना, पहली बार क्वीन आ जाए और दूसरी बार भी क्वीन आ जाए, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, आपने निकाला वापस रख दिया, है ना, फिर से पैक ऑफ कार्ड बिल्कुल डिट्टो वही रहेगा, दूसरी बार भी सेम सिचुएशन होगी, है ना। तो बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया, तो इंडिपेंडेंट हो गया तो ऐसे लिखेंगे, अब क्वीन कितने हैं, चार, कितने में से, ठीक है भाई, यहाँ पे फोर बार, ठीक है। अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन में अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट लिख देता, क्या लिख देता, विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट लिख दिया तो दो चीजें हैं, एक तो आप शॉर्टकट मार सकते हो कॉम्बिनेशन के थ्रू, एक आप डिपेंडेंट इवेंट वाला कॉन्सेप्ट ला सकते हो, जो कि हमने किया भी था, किया था, हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको बेटा, ये समझ में आ गया सबको बेटा, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते हुए हमने देखा है इन्हीं चीजों में बस। ठीक है, वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है, ड्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तीनों केस दिखाए हैं, दो केस तो एक जैसे ही है, बेटा सुनना भाई, एक एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट को ध्यान रखो, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिपीटेशन, इस केस में कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, या आप इसी को डिपेंडेंट वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को आप डिपेंडेंट वाले तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, दिखाता हूं मैं आपको भी। ठीक है, नोट करना तो नोट कर लेना, जो समरी जो भी मैंने आपको बताई है अभी।
अरे यही क्वेश्चन था, नहीं नहीं सॉरी, बेटा इधर देख रहा मैं ना, यहीं पे क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी मैं दोबारा नहीं लिख रहा बेटा, अगर यहाँ पे लिखा गया विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या लिखा गया विदाउट, मतलब दो कार्ड जो आपने निकाले रिपीट नहीं करेंगे, है ना? तो सुनो भाई, अरे बातें नहीं, सीधी सी बात है, 52 में से कोई भी दो कार्ड निकल सकते हैं, दोनों डिफरेंट निकलेंगे, और चार किन में से कोई भी दो डिफरेंट क्यों नहीं, ये आंसर है, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, सुनना, ऑल्टरनेट मेथड, विदाउट रिप्लेसमेंट देखते क्या समझ गए, विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन देखते क्या समझ गए, कॉम्बिनेशन, ठीक है? दूसरा, इसका हम एक तरीका पहले ही कर चुके हैं, कैसे, बाय यूजिंग डिपेंडेंट, कैसे, सुनना भाई, पहला क्वीन दूसरा भी क्वीन, पहला कार्ड निकाला क्वीन आ गया, ठीक है? जब भी विथ रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आपने निकाल के जेब में रखा हुआ है ना? जब हमें पता है कि पहला क्वीन है तो दूसरा भी क्वीन हो, कौन सा केस लगा दिया मैंने, डिपेंडेंट का केस, कुछ समझ में आया, कुछ डिपेंडेंट के क्वेश्चन कराए थे ऐसे कुछ? हाँ, अब पहली बार जब निकालोगे 52 कार्ड में से बेटा, तो चार ही क्वीन होंगे, 4/52, ठीक है भाई? हाँ, अब जब दूसरी बार निकालोगे बेटा, दूसरी बार कब, इस केस में, इस वाले केस में, तो एक क्वीन पहले से बाहर पड़ी हुई है ना, एक क्वीन पहले से आउट ऑफ गेम है इधर, तो यहाँ पे कितने क्वीन बच गए, 3 क्वीन, और बाकी नॉन क्वीन है ना? अब निकालोगे, क्योंकि ऐसा लिखा है, तो आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस को चेंज कर दोगे, एक क्वीन निकल चुकी है, तो क्वीन को बाहर निकाल दिया एक को, तो 3 क्वीन बचे, 48 नॉन क्वीन, अब एक और कार्ड निकालोगे जो कि क्वीन हो, कितने हो गए, 3 out of 51। आप देख सकते हो ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, इससे भी वही आएगा बेटा, 4 into 3/2 by 52 into 51/2। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कहाँ पे क्या लगाएं, मैंने एकदम क्लैरिटी देने की कोशिश करी, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ डिपेंडेंसी लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है? ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समरी, सिंपल सी समरी, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन का क्या मतलब है, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन। विदाउट रेपिटेशन कब पढ़ा था हमने, पीएनसी में पढ़ा था, कहां पे, कॉम्बिनेशन में, ठीक है? और कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कि डिपेंडेंट वाला केस है ये, डिपेंडेंट केस, मतलब डिपेंडेंट वाले केस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट आ गया, फिर तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट से करेंगे, ठीक है भाई? बेटा नोट करना है, नोट कर लो, बता रहा हूं आपको, सब कुछ सीखने के बाद भी बच्चे गलत करते हैं विथ रिप्लेसमेंट, कैसा केस हुआ ये? याद रहेगा भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास बेटा मैं यही पे ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, कुछ चीजें बुक में नहीं लिखी होती हैं, तो बताता हूँ, तो कर लिया करो, ठीक है भाई? फिर आउट है।